अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी चोली कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा चोली कट ब्लाउज है और ये कपड़ा है साड़ी का, इसमें से हम चोली कट ब्लाउज बनाएंगे। सबसे पहले हम अस्तल को काटेंगे। अब हम ब्लाउज का नाप लेंगे। पहले इसको हमें अच्छे से रखना है बराबर करके। यहाँ से हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। यहाँ से इसकी चेस्ट है 21 और यहाँ से हमें इसके शोल्डर का नाप लेना है। इसके शोल्डर है 12 इंच के। यहाँ से हम इसके पीछे का पलर का नाप लेंगे। पीछे का पलर है 13 इंच का। अब हम अस्तल को काटेंगे। अस्तल डबल है हमारा, इस तरीके से। अब हम यहाँ से लंबाई लेंगे 14 इंच की पीछे के पलर की, क्योंकि 13 इंच हमारा लंबाई में है तो हमें 14 इंच लेना है। अब हम यहाँ से इसके शोल्डर लेंगे 6 इंच के। आरुमल 6 इंच के और इसको हमें इस तरीके से चौकुटा। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे हम 1-1 इंच सिलाई के लिए। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच की गोलाई का सेव करेंगे। अब हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच की। गले की लंबाई आप जितना रखना चाहें उतना ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे गले की लंबाई 9 इंच की लेंगे और इसको हम पहले चौकुटा, उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। अब हम यहाँ पे पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। यहाँ पे हम कैंची का कट लगा लेंगे और पीछे का गला लंबाई में हमने 9 इंच का काटा है। अगर आप लंबाई कम करना चाहते हैं तो 7 इंच की लंबाई भी 6 इंच की भी ले सकते हैं। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यह हमारा पीछे का पलर हो गया। अब हम आगे का पलर काटेंगे अखबार पे। इससे हमें लंबाई ज्यादा रखनी है 2 या 3 इंच। अखबार को हमें सिंगल ही लेना है। इसको हमें इस तरीके से रख के यहाँ से बस 2 इंच हम लंबाई ज्यादा रखी है अखबार की। आगे के पलर के लिए और गले की लंबाई हम जितनी रखना चाहें 6 इंच या 7 इंच उतनी रखेंगे। तो हम यहाँ से गले की लंबाई 6 इंच की रख रहे हैं और इसको हमें गोलाई में कटिंग करना है गले का। चेस्ट में हम अस्तर के बराबर ही काटेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा यहाँ पे फिटिंग का निशान है और सिलाई के लिए भी रखा है हमने, तो हमें इसी के बराबर काटना है आगे का पलर। अब ये हमारा आगे का पलर कट गया है। अब हम इसमें चोली का निशान लगाएंगे। पहले हमें यहाँ पे आरुमल में लंबाई लेनी है, तो यहाँ पे हम लंबाई लेंगे 6.5 इंच की। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5 इंच और इसको हमें इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे गले की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच पे। यहाँ से हमारा 13 है आगे वाला गले का, तो हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे 2.5 इंच का यहाँ पे रखेंगे बीच में और इसको हम इस तरीके से चोली में सेप देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है
चोली का ब्लाउज काटने का। अगर आप अफवा पे काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे हम हमारा यहाँ पे तीरा है 4 इंच का, तो हम यहाँ पे तीरा देंगे 4.5 इंच, आगे की साइड 4.5 इंच, बगली की साइड 4 इंच। अब हमें इसमें दो चीज अच्छे से निकल आएंगे, ये हमारा बगली का तीरा और नीचे का तीरा। चोली को हमें दोबारा से 1-1 इंच बढ़ा के काटना है और शेप में काटना है। ये हमारी इसमें दो चीजें अच्छी है, बगली का तीरा और नीचे का तीरा। अब ये हमारा नीचे का तीरा हो गया। यहाँ से भी हमें शेप में ही कटिंग करनी है जब भी फिटिंग आएगी। अब हमें यहाँ पे आरोमल पे ध्यान देना है। हमें आरोमल ये शोल्डर की जो पट्टी है वो हमें जितनी चौड़ाई में रखना चाहें उतनी रख सकते हैं हम। तो हम इसको 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। बल्कि साइड पट्टी ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती है, अगर आप ज़्यादा चौड़ी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, मगर हम यहाँ पर 3.5 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं। आप कम करना चाहें तो 3 इंच की चौड़ाई भी रख सकते हैं। अब ये दो चीज तो हमारे अच्छे से निकल आएंगे। अब हम चोली का शेप बनाएंगे। तो यहाँ से हमें इसका शेप बनाना है नीचे की साइड से। तो यहाँ पे हम 1 इंच इसमें इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे 1 इंच पे यहाँ से। और यहाँ पे हम पट्टी रखना चाहते हैं 4 इंच की, तो यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी 4 इंच की रखेंगे या 3 इंच की, उतना ही हम इसमें निशान लगाएंगे इसकी गोलाई का शेप के। ये हमारा यहाँ से गोलाई का शेप हो गया। अब हमें 1-1 इंच चोली को ज्यादा काटना है क्योंकि चेस्ट के हिसाब से चोली बहुत छोटी है। अब ये जैसे हमारा अस्तर है तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। चोली को हमें तिरछे में रखना है जिससे हमारा शेप अच्छे से आ जाए। और नीचे की साइड यहाँ पे हमारा जो गोलाई है वहीं पे रखना है। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये हमारा निशान हो गया। नीचे की साइड हमारी जो गोलाई आई है इसमें हम अच्छे से प्लेट भी डाल सकते हैं। तो नीचे की साइड हमारा गोलाई होना जरूरी है। अभी हमारी चोली की कटिंग हो गई। यहाँ से हम नीचे का तीरा निकालेंगे। बराबर हमें तीरा रखना है चौड़ाई में। अब हमारे यहाँ पे कपड़ा कम है तो यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे और तीरे को इसी के बराबर बनाएंगे। इसमें हम तिरछा कपड़ा लगा के इसको इसी के बराबर करेंगे अखबार के बराबर। अब हमें बगली का तीरा निकालना है तो इसको हमें अच्छे से देख के सेट करना है। यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं बग्गी के तीरे को। अभी हमारे यहाँ से तो बराबर शेप है। अब हमें चोली को इसके बग्गी से रखना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसको नापेंगे। जैसे हमें 10.5 तैयार रखना है और यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच कपड़े को दबा दिया है सिलाई के लिए। अब हम यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा लें और यहाँ पे 1 इंच सिलाई के लिए और उसकी हम कटिंग करेंगे। क्योंकि आगे का पल्ला हमारा बड़ा हो जाएगा पीछे से तो भी फिटिंग सही नहीं आएगी, इसलिए हमें इसको नाप के ही कटिंग करनी है बगली के तीरे की इस तरीके से। 10.5 हमारा यहाँ पे हो रहा है फिटिंग का और 1 इंच हमारा सिलाई भी जाएगा। अब ये हमारा अस्तर की चोली की कटिंग हो गई है। अब ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू की लंबाई आप जितनी रखना चाहें उतनी आप लंबाई ले सकते हैं।
और इसकी अस्तर की जो चौड़ाई है, यहाँ से इसकी अस्तर की चौड़ाई है 16 इंच की, और इसको हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे हम बाजू की लंबाई रख रहे हैं 5 इंच की, और यहाँ पे जो हमारा खुला वाला कलर है यहाँ पे हम निशान लगाएंगे मौरी पे, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे, इसको तिरछा करके निशान लगाएंगे। सिंपल तरीका है बाजू काटने का, जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है, ये हमारे खुले वाले कलर है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हैं मौरी की साइड। अब हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं, ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। अब हम यहाँ पे जैसे हमारी चौड़ाई में कपड़ा कम है तो हम यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे, पहले हम इसको नापेंगे आरू नाप से, बाद में हम यहाँ पे एक पट्टी लगा के चिरैया फिटिंग फिट कर सकते हैं आरू नाप में, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे साड़ी के कपड़े की, तो इसके लिए हमें कपड़े को डबल करना है पहले साड़ी वाले को बराबर करके, और पहले हम पीछे का पल्ला निकालेंगे बंद वाला साइड से, पीछे का पल्ला निकालेंगे आधा इंच लंबाई में हम इसको ज्यादा रखेंगे। अब हम इसी के बराबर अस्तर के बराबर पीछे के पल्ला की कटिंग करेंगे, मगर आधा आधा इंच कपड़े को ज्यादा रखेंगे, सिलाई लगाने के बाद इसको जोड़ने के बाद हम अस्तर के बराबर कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़े को अस्तर के बराबर कपड़े को आधा इंच अस्तर से ज्यादा ही काटना चाहिए जब हम इस पे अंडरग्राउंड सिलाई करेंगे, बाद में हम अस्तर के बराबर कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का कलर हो गया। अब यहाँ पे चोली निकालेंगे हम, चोली को भी बड़ा रखेंगे, कपड़े को बाद में कटिंग करेंगे। ये हमारी चोली होंगे, यहाँ पे बगली का तीरा, अभी हमारा बगली का तीरा हो गया। अब हम नीचे का तीरा निकालेंगे, यहाँ से हम नीचे का तीरा निकालेंगे, अभी हमारा नीचे का तीरा हो गया। अब बाजू को निकाल लेंगे हमें, तो ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है इसको हम हटा सकते हैं और दोबारा से लगाएंगे, हम इस तरीके से इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा चौड़ाई में कपड़ा कम हो रहा है। अगर हम इसको हटाना नहीं चाहें तो इसके ऊपर भी हम बाजू की कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से इसको रख के, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 इंच कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे, यहाँ से हम कपड़े को काट के यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। अस्तर के बराबर हम इसके बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम इसको जोड़ेंगे सिलाई लगा के, फिर बाद में हम अस्तर के बराबर इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारे दोनों बाजू कट गई है, और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम गले की पाइपिंग और डोरी भी लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी चोली कट ब्लाउज की कटिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।